राजस्थान बनाम पंजाब किंग्स, एक हैरान कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला है। मैच में 438 रन बने हैं, पंजाब ने पहले 221 रन बनाए, उसके बाद आखिरी गेंद तक साफ तौर पर संजू सैमसन के लिए बुरा लग रहा है कि एक शानदार शतक और नहीं जिता पाए, पार लाइन बस लेकर नहीं, एक हिट दूर रहेगी राजस्थान की टीम। लेकिन क्या मुकाबला देखने को मिला, क्या शानदार मुकाबला देखने को मिला, एक आईपीएल इतिहास की एक सबसे शानदार पारियों में से एक खेल कर चले गए संजू सैमसन, राजस्थान के नए कप्तान। एक समय लग रहा था, 3 विकेट गिर गए, उसका लग रहा था कि राजस्थान कहीं भी मैच में नहीं है, लेकिन उसके बाद रियान पराग के साथ एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हुई और उसके बाद तो फिर संजू सैमसन रुके ही नहीं। उसके बाद जो बल्लेबाजी देखने को मिली, बेहद तूफानी और हैरान कर देने वाली पारी, जिसके बारे में जितना सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई इस तरीके की पारी इतनी टफ कंडीशंस में और मतलब इतना बड़ा लक्ष्य को पीछा करते हुए खेल डालेगा। संजू सैमसन आखिरी गेंद पर कैच आउट हो गए, ऐसा साफ तौर पर लगा कि और 5 फुट भी गया, 2-4 फुट अगर इधर का उधर हो जाता तो वो छक्के के लिए था और फिर राजस्थान ने एक बहुत कमाल का मैच जीत लिया होता। हालांकि 63 गेंदों पर 119 रनों की पारी खेली संजू सैमसन ने, 12 चौके और 7 छक्के ठोके इस दौरान उन्होंने, लेकिन टीम को जो है बस पार नहीं ले जा पाए। राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 217 रन बना सकी और मुकाबला जो है 4 रनों से पंजाब किंग्स ने जीत लिया। आपको बता दें, इस मुकाबले में पहले पंजाब किंग्स ने बल्लेबाजी की थी और शानदार बल्लेबाजी की थी, वानखेड़े के स्टेडियम में चौके छक्कों की बारिश कर दी थी पंजाब की टीम ने, उन्होंने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 221 रन बनाए थे। उधर से भी केएल राहुल ने भी 50 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेली थी, 7 चौके और 5 छक्के लगाए थे। जो टर्निंग पॉइंट था वो था दीपक हुड्डा का इनिंग, 28 गेंदों पर 64 रन, 4 चौके और 6 छक्के। इसके अलावा क्रिस गेल ने भी 28 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली थी और टीम 221 रन बनाने में कामयाब हो गई थी। लक्ष्य का पीछा करनी होती, राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही थी। आपको फिर से बता दें, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये अविश्वसनीय पारी थी संजू सैमसन की तरफ से, क्योंकि शुरुआत बेहद खराब थी। पहले ही ओवर की 3री गेंद पर वेन स्टोक्स आउट हो गए थे, इसके बाद मनन वोरा 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो भी चलते बने, जॉस बटलर 13 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो 3 विकेट जो गिर गए थे वो 70 रन तक गिर चुके थे 7.3 ओवर में। हालांकि ये जरूर था कि जो रन रेट है उसको कभी कम नहीं होने दिया था, उनको थोड़ा सा बराबर रखा था, 10 से ऊपर हमेशा के आसपास बना हुआ था। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया वो है रियान पराग और शिवम दुबे की जो छोटी छोटी पार्टनरशिप थी वो थी, क्योंकि शिवम दुबे ने 15 गेंदों पर 23 रन बनाए, लेकिन रियान पराग ने सिर्फ 11 गेंदों पर 25 रन ठोक दिए थे, उन्होंने 3 छक्के और 1 चौका लगाया था। एक पार्टनरशिप हुई और सिर्फ करीब 19 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप रियान पराग और संजू सैमसन के बीच हो गई थी। हालांकि रियान पराग का विकेट गिरा, राहुल देवतिया का भी विकेट गिर गया, लेकिन संजू सैमसन एक छोर पर टिके हुए थे और धड़ाधड़ चौके छक्कों की बारिश की हुई थी उन्होंने, और वानखेड़े का स्टेडियम मतलब छक्कों की बरसात के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा। राजस्थान की तरफ से बात करें तो 11 छक्के पड़े, 7 तो अकेले संजू सैमसन ने लगाया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। हालांकि पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह आखिरी ओवर करने के लिए आए थे, 13 रनों की दरकार थी, शुरुआती 2 गेंद अच्छी डाली लेकिन एक छक्का भी पड़ा उसके बाद उन्होंने। हालांकि जो 5वीं गेंद थी शायद है उस पर चर्चा जरूर होगी कि क्या कुछ गलती कर दी संजू सैमसन ने, उन्होंने लॉन्ग आउट बाउंड्री पर एक बड़ा शॉट खेला और सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के पास गई थी, रन पूरा किया जा सकता था लेकिन गलती हो गई, आप कह सकते हैं कि रन पूरा नहीं किया जा सका और जो एक हार है वो देखने को मिल गई पंजाब राजस्थान को इस मुकाबले में। चलिए आपको मैच का जो एक बार है आपको जो पूरा टाइमलाइन है वो आपको बता देते हैं कि राहुल 50 गेंदों पर 91 रन उन्होंने बनाए, दीपक हुड्डा ने 28 गेंदों पर 64 रन बनाए। अगर राजस्थान की तरफ से बात करें तो संजू सैमसन ने 63 गेंदों पर 119 रनों की पारी खेली, 12 चौके और 7 छक्के, 188 का स्ट्राइक रेट इस दौरान उन्होंने रखा था। एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संजू सैमसन जो मैच खत्म होने के बाद कि मेरे पास शब्द नहीं है, ये इतना क्लोज गेम था, मुझे लगता था कि हम इसे पार कर सकते थे, लेकिन जो नज़र आया वो यही है कि हम नहीं क्रॉस कर पाए। वो एक मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन मुझे लगता है वो कर बैठे, लेकिन जब क्रिस मॉरिस की जितनी भी 4 या 5 गेंदें उन्होंने तब तक खेली थी तो सब मिस हिट ही कर रहे थे, तो एक कप्तान के लिए मुश्किल हो जाता है, उसे लगना चाहिए कि भाई अगर आखिरी गेंद है तो मैं सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी मैं ही हूँ कि उस गेंद को मैं खेल सकूँ और उस गेंद पर एक छक्का लगाने की काबिलियत सिर्फ मुझ में, मैं 119 रन बनाकर खेल रहा हूँ। तो साफ तौर पर
उन्होंने एक सही फैसला किया, एक हिट दूर रह गई, एक हिट क्या बाउंड्री को ऑलमोस्ट वो पार चली ही गई थी मुझे लगा, लेकिन एक अच्छा कैच लपक लिया बाउंड्री लाइन पर दीपक हुड्डा ने और मैच को जो है खत्म कर दिया। 270 रन बना पाई राजस्थान रॉयल्स और टीम जो है 4 रनों से सीजन की अपनी जो शुरुआत करने में नाकाम रही। वहीं पंजाब की बात करें तो उन्होंने एक शानदार शुरुआत कर ली है, ना सिर्फ बल्ले से गेंदबाजी से भी कमाल किया और शानदार शुरुआत इस सीजन की उन्होंने अब कर ली है। अब देखना है आने वाले मैचेस में किस तरीके से राजस्थान की टीम वापसी करती है, और लेकिन वह बहुत ज़्यादा निराश मुझे लगता नहीं कि होने वाले हैं क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी रही उनकी भी, बल्लेबाजी चली, गेंदबाजी को लेकर जरूर थोड़ा बहुत विचार करना चाहेंगे वो, लेकिन चेतन सफारिया मुस्तफिजुर रहमान बहुत अच्छी एक तरीके से शुरुआत दोनों ने दी। बीच के ओवरों में थोड़ा बहुत दिक्कतें स्पिनर्स को लेकर उन्हें ज़रूर हुई क्योंकि श्रेयस गोपाल को मार पड़ी, इवन जो नज़र आया वो तमाम जितने स्पिनर्स थे चाहे राहुल तेवतिया को भी मार पड़ी, साफ तौर पर नज़र आया कि स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा, और वानखेड़े की पिच थी, यहाँ रन बनने वाले थे, इस पर कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार तो आप कर नहीं सकते थे, रन तो यहाँ धरा बनने ही थे। हालांकि फिर भी राजस्थान के लिए एक अच्छा मैच रहा सिर्फ 4 रनों से, और बल्लेबाजी में और थोड़ा सा क्योंकि मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स के साथ पवन बोरा की ओपनिंग जोड़ी कुछ जच नहीं रही है, और अगर जॉस बटलर को ओपन भी कराया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स जो फिनिशर की भूमिका इंग्लैंड टीम के लिए निभाते हैं, हालांकि ये भी ज़रूर है कि 2020 में उन्होंने कुछ ओपन करते हुए बहुत कमाल की पारियां खेली थी राजस्थान के लिए, तो एक दिमाग में वो भी टीम के ज़रूर रहता है कि नहीं वो IPL में ओपनिंग करते हुए अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा जो रहे वो रहे। चलिए कुछ ये रहेगा आपको बता देंगे कि अच्छा खेल रहा धर्मेंद्र सिंह चौहान जी कह रहे, जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा खेली, इस पर तो कोई है ही नहीं, उन्होंने बहुत कमाल का मैच खेला और पूरी तरीके से मैच को पलट कर जो मुझे लगता है कि रख दिया था उस संजू सैमसन ने रख दिया था, बहुत लंबे समय तक इस पारी को याद रखा जाएगा, लेकिन सिर्फ जो निराशाजनक बात ये थी कि इतनी बड़ी पारी कोई खेल कर चला गया लेकिन मैच जो टीम को जो जीत है वो नहीं दिला पाए, तो एक निराशाजनक जरूर बात रही। और अगर पंजाब के गेंदबाजों की एक बार जो आपको लिस्ट है वो आपको गेंदबाजों की ताज जमकर बनाई हुई है, अगर पहले आते हैं राजस्थान के गेंदबाजों के, तो चेतन सकरिया 4 ओवर में 31 रन, मुस्तफिजुर 4 ओवर में 45 रन, क्रिस मॉरिस 4 ओवर में 41 रन, श्रेयस गोपाल 3 ओवर में 40, बेन स्टोक्स 1 ओवर में 12, राहुल तेवतिया 2 ओवर में 25, रियान पराग 1 ओवर में 7, शिवम दुबे 1 ओवर में 20 रन। तो ये कुछ था राजस्थान की गेंदबाजी। वहीं अगर पंजाब की गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस गेंदबाज वो निकल गए, उन्होंने 2 विकेट निकाले, 33 रन दिए 4 ओवर में। झाई रिचर्डसन 4 ओवर में 55 रन, 13 की इकोनॉमिक रन से इनकी धुनाई हुई है। इसके अलावा अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 35 रन 3 विकेट। वहीं रायले मेरडिथ की बात करें 4 ओवर में 49 रन 1 विकेट उन्होंने दिया। बुरगन अश्विन 4 ओवर में 43 रन, तो जो धुनाई हुई है बहुत तगड़ी धुनाई हुई है। झाई रिचर्डसन 14 करोड़ी अच्छे खासे रकम पर आए थे, रायले मेरडिथ की पेस की बात हो रही थी, लेकिन पहला ही ओवर में लगातार 4 चौके इनको ठोक गए थे जॉस बटलर ने, तो तेज गेंदबाजी के लिए मतलब आज एक कब्रगाह बन गई थी वानखेड़े की पिच, और यहाँ पर भाई आप कोई गलती करें और फिर बच के निकल जाने की सोचे तो ये तो होने से रहा था, और बहुत धुनाई जो है आज गेंदबाजों की हुई है। संजू सैमसन एक हैरान कर देने वाली पारी खेलकर चले गए, अपनी कप्तान के रूप में अपना पहला ही मैच खेल रहे थे और क्या पारी खेल कर खेले हैं उस पर, तो उमन ब्लॉक जी कह रहे संजू सैमसन एट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली इस पर तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा निराश साफ तौर पर होंगे संजू सैमसन की टीम को पार नहीं ले जा पाए, बस टारगेट से पार थोड़ा सा 4 रन, आपको दुख हो जाता है कई बार पंजाब किंग्स की जो जिस तरीके से बैटिंग रही, ज़रूर आप मैं चाहूँगा कि वही टीम जीतती, लेकिन जब आप ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग देखते हैं, आप हाल फिलहाल के सालों में आपने इस तरीके से कोई इनिंग देखी नहीं होगी, क्योंकि टीम कई बार जब इतना बड़ा लक्ष्य होता है ना तो बहुत जल्दी ढह जाते हैं, या फिर कहते हैं यार आप तो ये पहुंच से दूर है, या बहुत ज़्यादा बल्ला भाजना शुरू कर देते हैं जिससे कि लगता है कि यार अब ये खत्म ही है, लेकिन संजू सैमसन ने एक बार भी ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उन्होंने लगा हो, बहुत आसानी से सिंगल भी ले रहे थे और फिर जब अपने विल पर चौके छक्के लगा रहे थे, बहुत कैलकुलेटिव बैटिंग कर रहे थे, और कभी नहीं लगा कि वो उनको उनके हिसाब से लक्ष्य बहुत दूर है, या हर ओवर में 40 जो 14 रन के ऊपर का जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको पार नहीं किया जाता बहुत आसानी से, और आँखों को कितना आप कह सकते हैं कि लुभावने लगते हैं, बहुत आसानी से इतने बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, वो तो कमाल का। प्रशांत भाई दोनों हाथों से सलाम करता हूँ संजू सैमसन को, व्हाट ए इनिंग बाय दिस यंग मैन, एब्सोल्युटली जितनी तारीफ की जाए कम है, बस टीम उनकी नहीं जीती इसका दुख ज़रूर उन्हें तो क्या हमें भी साफ तौर पर हो रहा है, और ऐसी कोई पारी खेले तो ज़रूर उनकी टीम को भी जीत मिलनी चाहिए। चलिए जो
कल के जो मैचेस है उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे। कल केकेआर और एमआई के बीच मुकाबला है, जहां केकेआर ने एक शानदार शुरुआत की है वहीं जीत के साथ, लेकिन मुंबई इंडियंस जिस तरीके से अमूमन रहता है शुरुआत हार के साथ होती है, लेकिन उसके बाद तो वो भी अपनी जो है हार को भुलाकर चेन्नई के मैदान पर मुकाबला है। तो कोलकाता और एमआई के बीच में कल एक मुकाबला, बड़ा मुकाबला, और अब तक सिर्फ 4 मुकाबले हुए हैं और क्या मुकाबले देखने को मिले हैं। अगर सिर्फ दिल्ली और दिल्ली कैपिटल्स के जो मैच था उसको छोड़ दें तो सारे ही मुकाबले अंतिम ओवर तक कांटे के टक्कर देखने को मिली है तमाम मैचेस में। मुंबई और आरसीबी के जो मुकाबला था आखिरी गेंद तक चला, आज भी जो मुकाबला था समझिए कि आखिरी गेंद पर बस 2 फुट दूर रह गया, बोले तो वो भी एक बहुत शानदार मैचेस हमको देखने को अब तक मिले हैं। तो हम उम्मीद ऐसे ही कर रहे हैं कि आने वाले जितने भी हैं वो, और आईपीएल का सबसे बड़ा मज़ा यही है कि यहाँ जब बड़ी टीमें भिड़ती हैं ना तो एक तरफा मुकाबले आपको देखने को मिलने वाले हैं, कोई भी टीम साथ नहीं छोड़ने वाली, कोई भी टीम अंतिम ओवर तक ऐसा हो कि लड़ने वाली नहीं है या फिर उसमें मादा नहीं है, तो जमकर है वो टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि आज जो मैच देखने को मिला शायद ऐसे मैचेस कम ही देखने को मिले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इतने क्लोज मैचेस और इतने चौके छक्कों की बरसात हो तो फिर क्या कहना आज की इस बारे में। अर्शदीप सिंह ने एक तरीके से पंजाब के लिए एक क्रूशल ओवर डाला और उन्होंने मैच जो दिलाने में, जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और पूरे मैच में उन्होंने, मुझे लगता है जितने भी ओवर अपने 4 ओवर में जो सिर्फ 35 रन दिए और 3 विकेट निकाल कर चले गए, और बड़ा विकेट तो भाई आखिरी ओवर में ही उन्होंने संजू सैमसन का ही निकाला और बहुत महंगा था, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो रैली जो मेरेडिथ ओवर करने आए थे वो महंगा साबित हुआ था, उससे पहले तो छाय रिचर्डसन को तो धो डाला था संजू सैमसन ने, तो फिर बहुत मुश्किल हालात, क्योंकि 13 रन बचाना उस ओवर में और खासतौर संजू सैमसन के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और जिस तरीके से उन्होंने खेला मुझे लगता है कि, या फिर शुरुआत के 2 गेंद जिस तरीके से आउटसाइड ऑफ रखने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत कमाल की गेंदबाजी उन्होंने एक तरीके से, एक मैच विनिंग गेंदबाजी की। लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी जो जिस तरीके से उन्होंने रियान पराग का विकेट निकाला था, क्योंकि क्रिस मॉरिस ने जो ओवर्स या कुछ गेंदें जो उन्होंने खराब की, 4 गेंदें उन्होंने खराब कर दी, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन बना पाए, तो उसमें एक भी चौका अगर आ जाता तो ये मैच राजस्थान जीत चुकी होती। तो मुझे लगता है कि एक जो मैच पलटने की बात है वो मोहम्मद शमी कर चले गए थे, क्योंकि रियान पराग का विकेट बेहद महत्वपूर्ण था, 11 गेंदों पर 25 रन, 1 चौका और 3 छक्के, 227 की स्ट्राइक रेट से ये खेल रहे थे रियान पराग, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो विकेट, और उनका विकेट लेकर जो सारा जो दारोमदार था तब तक रियान पराग और संजू सैमसन कर रहे थे, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद जो सब कुछ जो था वो संजू सैमसन के कंधों पर आ गया, क्योंकि 4 गेंदें उन्होंने खेली, राहुल तेवतिया ने 4 गेंदें खेली 2 रन बना पाए, इवन क्रिस मॉरिस ने 4 गेंदें खेली वो 2 रन बना पाए, तो दोनों का जोड़ दें तो 8 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बने, मतलब एक ओवर में सिर्फ आप जोड़ लीजिए कि सिर्फ 4 रन बने, उसमें भी अगर दो दिक्कतें हैं तो उसके अलावा 221 रन कोई चेस कर रहा हो और उसमें से अगर 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन या 4 रन बने तो फिर आप मैच आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, और वही कुछ नज़र आया है राजस्थान के लिए। राजस्थान चाहेगी, ज़्यादा निराश मुझे लगता नहीं कि होने वाली है, क्योंकि एक शानदार शुरुआत उन्हें मिल चुकी है, वो अब चाहेंगे कि भाई अब जल्द से जल्द और भी जो मैचेस हैं आने वाले समय में उसको वो कैश करें, और जो कॉन्फिडेंस इससे मिला होगा उससे टीम तो मतलब 7वें स्थान पर साफ तौर पर पहुंच गई होगी कि भाई अब हमारे सामने कोई भी आएगा, कोई भी स्कोर आएगा तो फिर हम उसे छोड़ने वाले नहीं। आपको बता दें इसके बाद जो राजस्थान का जो मुकाबला है वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 अप्रैल को वानखेड़े के ही मैदान पर है, 7:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। आपको जैसे कि बता चुके हैं कि कल कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस MH चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में शाम के 7:30 बजे भिड़ने वाली है, बट जो बॉल पर रन रह गए थे उस पर संजू सैमसन को जरूर सिंगल लेना चाहिए था प्रधान भाई, यू नेवर नो क्रिस मॉरिस इज हिटिंग। जी बात आपकी, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था कि एक रन लिया जा सकता था, लेकिन क्या वो चांस लिया जा सकता था, क्योंकि 4 गेंदों पर वो सिर्फ 2 रन बना पाए थे, गेंद हिट नहीं कर पा रहे थे, तो जो सबसे बड़ा जो आपके पास एक गैम्बल है, कम से कम संजू सैमसन के रहते आपके पास वो गैम्बल, तो सबसे अच्छी जो पॉसिबिलिटी थी वो यही थी कि संजू सैमसन स्ट्राइक पर रहे, और ऑलमोस्ट उन्होंने जिता ही दिया था ऑलमोस्ट, तो मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटिव रिस्क था। कई बार जब आप वो ये नहीं हो पाता है तो लगता है कि यार ये गलत, आप संजू सैमसन ने गलत कर दिया, सही कर दिया, लेकिन अगर वही गेंद, आखिरी गेंद उन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर मार दी होती तो फिर पार हो गई होती, तो समझिए कि आप कहते कि नहीं यार बहुत कमाल का फैसला था उन्होंने। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्रिस मॉरिस के पक्ष में नहीं गया, हो सकता क्रिस मॉरिस लगा भी देते या बीट कर जाते तब आपने कहा कि भाई सिंगल नहीं लेना चाहिए था,
बहुत ही कॉम्प्लिकेशन और बहुत ही मुझे लगता है कि मुश्किल हालात पैदा हो गए थे संजू सैमसन के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे ही हिट करना है, और जब आप हिट नहीं कर पाएंगे तो फिर सारा दारोमदार भी आपको, जिम्मा भी आपको खुद ही लेना पड़ेगा। संजू सैमसन ने वही किया कि भाई एक गेंद मैं आपको दे दूँ, और अगर हम हार भी जाते तो क्यों आप पे वो जिम्मेदारी आए, अगर मैं हारता भी हूँ, हम हारते हैं यहाँ से, तो फिर वो मेरे लिए ही होगा और मेरे ही जिम्मे वो होना चाहिए। तो साफ तौर पर उन्होंने दर्शाया एक कप्तानी पारी, ऐतिहासिक और कप्तानी पारी। मेरे प्रेडिक्शन है एमआई जीत रहा है, और आपके क्या प्रेडिक्शन प्रशांत भाई, एमआई और केकेआर? देखना होगा मुझे, और कुछ मैचेस केकेआर एमआई के देखने होंगे, लेकिन अब तक जिस तरीके से दिखा है और तो बिल्कुल केकेआर ने भी अच्छी शुरुआत दी है, इवन जिस तरीके से ये कुछ मैचेस गुजरे हैं तो बहुत, आरसीबी भी इस बार मुझे बहुत बैलेंस नज़र आ रही है पहले जो प्लेइंग इलेवन, हालांकि ज़रूर है सुधार की ज़रूरत उन्हें भी है, लेकिन जो प्लेइंग इलेवन नज़र आई है बहुत शानदार। चेन्नई के आने वाले मैचेस पर भी निगाहें हैं, लेकिन अब तक जो कॉम्बिनेशन है साफ तौर पर बिल्कुल केकेआर और एमआई का अभी बढ़िया लग रहा है, लेकिन देखते हैं आने वाले मैचेस में किस तरीके से गुजरते हैं। लेकिन आज हमें एक बेहद शानदार जो मैच है देखने को मिला है, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि कल भी एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और शानदार मैचेस हैं आने वाले मैचेस में। तो आईपीएल के जो मैचेस हैं मिस मत करिए, क्योंकि इतने शानदार मैचेस आपको कहीं देखने को मिलने वाले नहीं हैं। और चलिए, दोनों कप्तानों ने क्या क्या कहा है वो आपको बता दें। केएल राहुल ने कहा कि आई डिडंट स्टॉप बिलीविंग इन द टीम एंड वी न्यू कपल ऑफ विकेट्स विल ब्रिंग अस बैक। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमें, मैंने कभी टीम का साथ नहीं छोड़ा, और हमें पता था कि एक दो विकेट हम निकालते हैं तो हम मैच जी। कल की क्या प्रेडिक्शन है आपकी प्रशांत भाई, एमआई और केकेआर? मैं एमआई पर ही दाव लगाऊंगा, और मुझे लग रहा है कि जो एक पहला मैच जिस तरीके से आखिरी गेंद पर आ रहे थे, कल वो गलती नहीं करेंगे। और केकेआर के लिए मैं कहूंगा कि कुछ कल टैक्टिकल मिस्टेक्स उन्होंने किए थे, कुछ गलतियां एसआरएच की तरफ से हो गई थी, जॉनी बेस्टो और मनीष पांडे ने कुछ धीमा खेल दिया था, वरना वो रन चेज आसानी से हो जाता, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि केकेआर के गेंदबाजों में अगर सिर्फ, अगर कल के मैच की बात करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आंद्रे रसल की गेंदबाजी में थोड़ा बहुत लग रहा था कि वो रन रोक सकते हैं, बाकी ना ही पैट कमिंस नज़र आ रहे थे, और बाकी कोई भी स्पिनर्स भी, वरुण चक्रवर्ती भी थोड़ी बहुत अभी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ताक फुट पर जाकर वो छक्के पड़ रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि सुधार की ज़रूरत है। हरभजन सिंह क्यों सिर्फ एक ओवर कर उनको कराया गया था, समझ से परे है, ये मॉर्गन क्या सोच रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि कल, तो मैं अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो एमआई के साथ ही है कल की प्रेडिक्शन के तौर पर अगर मुझसे कहा जाए तो। चलिए, प्लेयर ऑफ द मैच के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे लग रहा है कि केएल राहुल, या फिर लेकिन जो इनिंग खेली मुझे लगता है संजू सैमसन को ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देना चाहिए। आपको बता दें, चलिए आप इसके अलावा जो केएल राहुल ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। ड्रॉप सम सिटर्स, उन्होंने साफ तौर पर कैचेज बहुत ड्रॉप हुए, संजू सैमसन के ही दो कैच ड्रॉप हुए, जॉस बटर का एक कैच ड्रॉप हुआ था, हालांकि चलिए बहुत ज़्यादा महंगा साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वी आर यूज टू दिस एंड वी आर यूज टू दिस एंड नॉट समथिंग न्यू फॉर अस, बट आई विन लाइक दिस ब्रिंग अस टू थिंक विन वी मेट इट रियली विन एंड बोल्ड विन विद मैचेस वी आर कंसिस्टेंट विद द लेंथ्स बट द बॉलर्स विल लर्न ए लॉट ऑफ टैलेंटेड स्किलफुल प्लेयर्स एंड इंपॉर्टेंट टू दैट वी बैक देम, इट्स एन अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम हुड्डा एंड दैट्स द काइंड ऑफ फियरलेस बैटिंग वी वांट टू सी इन द आईपीएल, वी हैव बीन टेंटेटिव समटाइम्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अस टू प्ले फियरलेसली एट टाइम्स, सो आई एम हैप्पी दैट एक्सपेक्टेशंस और जी सो दैट हैप्पी एक्सपेक्टेशन आर अंडरस्टूड एंड मेट। उन्होंने अपनी टीम की तारीफ की है, और साफ तौर पर जो हुड्डा की तारीफ की और शदीप सिंह की तारीफ की, गेंदबाजों को लेकर उन्होंने कहा कि हमने पैचेस में ठीक ठाक की, लेकिन कैचेस जो ड्रॉप हुए उस पर वो बेहद निराश थे, और कहा कि चलिए जीत के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नज़र आती हैं, लेकिन वो साफ तौर पर थोड़े से निराश जरूर हैं जी। चलिए आपको एक और खबर दे देते हैं कि संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं, और लग भी रहा था। चलिए, बिल्कुल आपको लगता है कि हारे हुए टीम है, लेकिन जो खिलाड़ी ने सबसे अच्छा अगर खेला है इस मैच में उसको प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए, और संजू सैमसन ने एक तूफानी और हैरान कर देने वाली पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। आपको बता दें, ये उनके कप्तान के तौर पर उनका पहला मैच था, और पहले ही मैच में उन्होंने शतक ठोक डाला। आपको बता दें, ये आईपीएल करियर का उनका तीसरा शतक था, या उन्होंने एवी डिविलियर्स की बराबरी कर ली है। एवी डिविलियर्स के भी नाम आईपीएल के 3 शतक हैं, सबसे ज़्यादा जैसा पता ही है क्रिस गेल के नाम है 6 शतक, दूसरे नंबर पर विराट कोहली 5 शतक, और उसमें 4 तो अकेले 2016 में ही आए थे। डेविड वार्नर और शेन वॉटसन के 4-4 शतक हैं, वहीं एवी डिविलियर्स और संजू सैमसन अब 3-3 शतक के साथ अब इस लिस्ट में 4th नंबर पर आ गए हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बैटिंग सेकंड, तो सबसे बड़ा है स्कोर पॉल वेलथिटी का 120 रनों का, उन्होंने सीएसके के खिलाफ 2011 में खेला था। अब वीरेंद्र सहवाग के नाम था 119 रनों का, जो उन्होंने
डीसी के खिलाफ 2011 में खेला था, और फिर अब संजू सैमसन नंबर 3 पर है 119, पंजाब किंग्स के खिलाफ इस साल खेला, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर डिफीट में मिला है। ऋषभ पंत 128 रन, वो टॉप पर थे 119 रन, अब संजू सैमसन दूसरे नंबर पर आ गए हैं, और तीसरे नंबर पर एंड्रू साइमंड्स हैं जिन्होंने 117 रनों की पारी 2008 में खेली थी। ऋषभ पंत ने 128 रनों की पारी एसआरएच के खिलाफ 2018 में खेली थी, लेकिन मैच हार गई थी दिल्ली की टीम, और आज संजू सैमसन ने एक शतकीय पारी खेली लेकिन टीम को जो है जीत नहीं दिला पाए। चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी, कल एक और एक शानदार मुकाबला है एमआई और केकेआर का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब इतनी रात को हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह चौहान जी और तमाम जो हमारे सपोर्टर को जुड़े हैं हमें इस लाइव अपडेट में जुड़ने में मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।